कहानी है एक लड़की जिसका नाम था टीना और वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। और फ्रेंड्स, ये एक मॉरल स्टोरी भी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज टीना का जन्मदिन है और वो आज 9 इयर्स की होने वाली है। शायद वो भूल गई है कि आज उसकी जन्मदिन है, तो मैं जाके उसे अब सरप्राइज कर देती हूँ। अरे टीना, उठ जाओ। अरे मम्मी प्लीज, और थोड़ा देर बस सोने के लिए दो ना। अरे टीना, 7:30 बज गए हैं, उठ जाओ। अरे मम्मी प्लीज। अरे टीना, आज तो तुम्हारे बर्थडे है ना, जल्दी नहीं उठोगी? ओ मम्मी, आज तो मेरे बर्थडे है। ये आज तो मेरे जन्मदिन है मम्मी, मैं कितनी खुश हूँ। हाँ मेरी प्यारी लाडली, आज तो आप 9 इयर्स की हो जाओगी। हाँ मम्मी, ये तो बेटा, आज आप क्या क्या फन और मस्ती करोगी? मम्मी मम्मी, आज मैं खूब सारी मस्ती करूंगी, क्योंकि आज तो संडे है ना। बेटी, आज तो संडे है। अरे मम्मी, आप मेरे सारे दोस्तों को बुलाएंगी ना? अरे हाँ, सबको बुलाऊंगी। हाँ हाँ हाँ, और स्पेशली राधिका को बुलाना, वो तो मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, उसको भी बुलाऊंगी मैं, और साथ साथ तुम्हारे बाकी दोस्तों को भी। थैंक यू मम्मी, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। ओके ओके मम्मी, मेरी नाश्ता फिनिश हो गई। ओके बेटा, जाओ अब जाके नहा लो, उसके बाद थोड़ा पढ़ लेना। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी, मेरी फ्रेंड्स कब आएंगे? अरे बेटा, आ जाएंगे, थोड़ा वेट कर लो। ठीक है मम्मी। और वो देखो, तुम्हारी दोस्त खुशी भी आ गई। ओ हाँ मम्मी, हैप्पी बर्थडे टीना। अरे आप कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। अरे वाह, आपका ये नेकलेस तो बहुत सुंदर लग रहा है, आपने ये कहाँ से खरीदे हैं? अरे ये मैं अपने हस्बैंड से बहुत, मतलब क्या बताऊँ, मैं इतनी मतलब चाहती थी अपने हस्बैंड से, और आखिर में उन्होंने मुझे दिला ही दिया। और वो देखो टीना, तुम्हारी दोस्त राधिका भी आ गई। अरे अरे राधिका, मेरे लिए तो रुक जाओ, इतनी दौड़ क्यों रही हो? गिफ्ट मत तोड़ देना। नहीं तोड़ी मम्मी। चलो अब सब लोग आ गए हैं, तो केक काटते हैं। ये 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 केक काटना, ये मम्मी, अब हम केक काटेंगे, ये। चलो अब मैं कैंडल ब्लो करूंगी। हाँ चलो, गाना शुरू करते हैं। हाँ हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टीना, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए तुम ही पहले खाओ। ओ थैंक यू खुशी, अब तुम खाओ। अच्छा चलो बच्चों, अब तुम अपने टॉयज लेके खेलो। ओके, उसके बाद जब डिनर टाइम होगा तो मैं तुम तीनों को बुला लूंगी। ओके आंटी, ओके मम्मी, ओके ओके। ये देखो राधिका और खुशी, ये है मेरी सारे टॉयज। अरे वाओ,
कितना अच्छा टॉयज है ना राधिका। हाँ खुशी, ये कितना अच्छा टॉयज है। अरे तेरे पास कितने अच्छे टॉयज हैं ना, काश हमारे पास भी इतने ज्यादा टॉयज रहते। हाँ तुम लोगों के पास भी टॉयज हैं मेरी तरफ, हाँ लेकिन थोड़ा कम। हाँ चलो खेलते हैं। ओके और ये देखो राधिका और खुशी, ये मेरी सबसे फेवरेट डॉल है। वाह कितना अच्छा डॉल है। अरे दिखाओ दिखाओ टीना एक बार वो डॉल ना। वाह कितना अच्छा डॉल है। अरे कितना अच्छा डॉल है, इसका ड्रेस भी देखो पूरा पिंक है और इसका हेयर भी ब्लोंड कलर है, कितना अच्छा डॉल है। हाँ हाँ इसीलिए ये तो मेरी, तो इसीलिए ही ना ये मेरी फेवरेट डॉल है। हाँ तुमने सही कहा आकाश, मेरे पास भी ऐसी एक डॉल होती, कितना अच्छा डॉल है ना। हाँ बहुत अच्छा है, चलो अब हम खेलते हैं कुछ। हाँ हाँ चलो 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 बच्चों आ जाओ, अब ये डिनर का टाइम हो गया है। ओके आंटी हम आते हैं। अच्छा आंटी आप थोड़ा रुकेंगे, मैं अभी आती हूँ, तुम लोग चली जाओ मैं अभी आती हूँ। ओके ओके अरे आपका डिनर ना बहुत अच्छा था, इतना टेस्टी था मैं क्या बताऊँ। ओ थैंक यू वेरी मच। हाँ और इधर राधिका को टीना की वो डॉल बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो चुपके चुपके से जाके वो टॉय लेके अपनी मम्मी के बैग में चुपके से रख लेती है। अरे मम्मी मम्मी आपका बैग उधर रह गया था। ओ थैंक यू बेटा वेरी मच। अच्छा अब हम ना चलते हैं। ओके बहुत देर भी हो गई है ना। ओ हाँ ओके बाय बाय, फिर आना। हाँ और आप भी हमारे घर पे आना, ठीक है अब हम चलते हैं, बाय बाय बाय। अच्छा बेटा राधिका आप टीना को बाय कह दो। हाँ बाय टीना, बाय बाय राधिका। रात को जब राधिका और उसकी मम्मी घर पे लौट के आई, तब उसकी मम्मी ने राधिका को बोला, राधिका बेटा जाओ जाके फ्रेश होके आ जाओ। ओके मम्मी। और फिर उसके बाद राधिका की मम्मी अपनी पर्स खोलती है। अरे ये टॉय मेरे बैग पे कहाँ से आ गया। अरे मम्मी वो असल में ना आप जब आंटी के साथ बिजी थे तब ना टीना मुझे ये टॉय ऐसे दे दी थी और मैंने आपको इसीलिए नहीं बोली क्योंकि आप बिजी थे ना, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करनी चाहती थी, इसलिए मैंने आके आपके बैग में रख दिया। ओके ठीक है मैं अब आंटी को फोन करके थैंक यू बोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं मम्मी थैंक यू बोलने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बोल दूँगी। अच्छा ठीक है जब आप फ्रेश होके आ जाओ मैं ये टॉय रख देती हूँ। ओके उसके बाद जब वो खेलने आई तब उसे अपना फेवरेट डॉल नहीं मिला, इसलिए वो अपनी वो डॉल इधर उधर ढूंढने लग गई, लेकिन उसे अपना डॉल कहीं भी नहीं मिला, इसलिए वो बहुत परेशान हो गई और अपनी मम्मी के पास आई। अरे क्या हुआ टीना। मम्मी मम्मी आप जो मुझे वो 3000 का एक डॉल दिलाए थे ना वो डॉल मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है। कल तो था
ही खाई थी, लेकिन आज नहीं मिल रहा मुझे, पता नहीं कहाँ। अरे बेटा, इसमें रोने की क्या बात है, चलो मैं आपकी ढूंढने में थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। ठीक है मम्मी। और फिर टीना और उसकी मम्मी उस टॉय को ढूंढने की बहुत कोशिश किए, लेकिन कोई भी उस टॉय को नहीं ढूंढ पाया। अरे मम्मी, मुझे वो टॉय तो कहीं नहीं मिला, बता नहीं कहाँ है। अरे बेटा रो मत, एक काम करो, तुम सोचो कि तुमने वो टॉय कहाँ रखी थी लास्ट नाइट। मुझे याद नहीं आ रही मम्मी। बहुत अच्छे से याद करो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त उसे ले तो नहीं चली गई। हो सकता है मेरे सारे दोस्तों तो वो टॉय को बहुत अच्छे से देख रहे थे, शायद उन लोग ने ही ली होगी। लेकिन किसने ली है, क्योंकि दो फ्रेंड्स आए थे ना तुम्हारे बर्थडे पे। हाँ मम्मी। ओके एक काम करो, अब तुम थोड़ी खेल लो, उसके बाद याद करना कि वो घूम गया या फिर कोई दोस्त ने ले चली गई है। ओके मम्मी। कौन ली हो सकती है, कौन ली है, दोनों ही तो बहुत अच्छे से देख रही थी उस टॉय को, लेकिन राधिका तो ज्यादा घूर घूर के उस टॉय को देख रही थी। एक काम करती हूँ, मैं उसके घर जाके ना चेक कर लेती हूँ, कहीं उसने तो नहीं ली है। चलो मैं उसके घर जाती हूँ। और फिर टीना राधिका के घर चली गई, और फिर उसने राधिका को बुलाई। राधिका राधिका, मैं तुम्हारे घर पे आ रही हूँ। ये देख के राधिका तो बहुत परेशान हो गई कि टीना ना देख ले उसे उस डॉल के साथ खेलते हुए। और फिर उसके बाद राधिका ने उस डॉल को पास में पड़ी हुई एक बेडशीट के अंदर छुपा दी। और फिर उसके बाद टीना और राधिका आपस में बातें करने लग गई। उसके बाद टीना ने राधिका से पूछा, राधिका राधिका, मुझे ना आज से वो अपने फेवरेट डॉल नहीं मिल रही अपने घर में, तो क्या तुमने वो देखा है? अरे नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखी। अच्छा मुझे ना बहुत प्यास लग रही है, प्लीज एक ग्लास पानी ला सकते हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद राधिका टीना के लिए पानी लाने चली गई। और रूम से राधिका जैसे ही चली गई, टीना को एक मौका मिल गया अपनी डॉल ढूंढने में, कि तभी जब वो ढूंढ। और फिर टीना उस बेडशीट के अंदर ही, जिसमें राधिका वो डॉल छिपाई थी, उस बेडशीट के अंदर टीना देखती है, उसे अपना डॉल मिल जाता है। और फिर टीना बोलती है, अरे अरे ये तो मेरी डॉल है, इस राधिका ने ली थी। और फिर राधिका टीना से बोली, अरे ये डॉल मेरी है, तुम इसे क्यों ले रही हो? नहीं ये डॉल मेरी है, और इस डॉल को तुमने मेरी घर से चुराई थी, मुझे वापस कर दो। नहीं ये मेरी है। और फिर उन दोनों की झगड़ा हो जाती है, कि तभी वहां पे राधिका की मम्मी आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ बच्चों, इतने झगड़ क्यों रहे हो? और फिर उसके बाद टीना बोलती है, आंटी आंटी ये डॉल मेरी है, और राधिका ने वो डॉल मेरे घर से चुराई थी। क्या, लेकिन तुमने तो राधिका को ये डॉल ऐसे दे दी थी। नहीं आंटी, मैंने किसी को भी अपना कोई भी खिलौना नहीं दी हूँ। तो राधिका जब मुझे बताई
कॉइन चुराई हूँ। तो बच्चों आप कभी भी चोरी मत करना, ओके? चोरी करना गलत बात होती है। जैसे राधिका ने की है चोरी, आप वैसे बिल्कुल मत करना, ओके?